आखिर ऐसा क्या हो गया कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी मजबूर हो गए रांची के सड़कों पे भीख मांगने के लिए? आखिर ऐसा क्या हुआ वर्ष 2020 के 20 मार्च को यही पंचायत सचिव को लाठियां खानी पड़ी? बड़ा अजीब लगता है ना। हम शुरुआत से ये सुनते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो हमारे राज्य और देश के लिए भविष्य गढ़ने का काम करते हैं, ये वो रोशनी है जिससे पूरा हमारा देश जगमगाता है। लेकिन ये सुनकर और देखकर बुरा लगता है कि यही रोशनी जब अंधकार के ऐसे गहराई में चला जाता है जहां सब कुछ होते हुए, दक्ष होते हुए, प्रतिभावान होते हुए उन्हें कटोरा लेकर सड़कों पे घूमना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हाँ वो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार चाहिए और वो रोजगार जिसके वो हकदार हैं। चलिए अब पूरी कहानी को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इन शॉर्ट, ये जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो अपने बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आंदोलनरत हैं और रांची के मोराबादी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले एक साल दो महीने से अधिक दिन हो गए हैं लेकिन अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है और इन अभ्यर्थियों को जो पद मिलना चाहिए अब तक वो पद इन्हें नहीं मिला है। अब पूरी कहानी को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर आज इनकी ये स्थिति ऐसी क्यों हुई, आखिर आज हमारे राज्य के ये भविष्य भिक्षाटन के लिए मजबूर क्यों हुए। वर्ष 2017 में ज्ञापन संख्या 5938 के तहत राजस्व कर्मचारी हाई स्कूल पंचायत सचिव दारोगा राजस्व कर्मचारी सिपाही की वैकेंसी निकाली गई थी। इस ज्ञापन के आधार पर निकाली गई वैकेंसी में सबकी बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई लेकिन पंचायत सचिव के पद की बहाली की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इसमें कोई व्यवधान आ गया होगा, शायद एग्जामिनेशन नहीं हो पाया होगा या फिर प्रक्रिया में जो जो चीजें लगती हैं वो नहीं हो पाई होंगी इसलिए अब तक ये प्रक्रिया अधूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके बाद से लेकर अब तक लगभग एक साल दो महीने हो गए और इनका मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है, इनकी बहाली नहीं हो पाती है और ये मजबूर हो जाते हैं उसी बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आंदोलन की राह ये चुनते हैं। तो क्या ये पंचायत सचिव पद के लिए ये जो अभ्यर्थी हैं ये फिर से एक बार राजनीति के शिकार हो गए? बीजेपी की सरकार यानी रघुवर दास की सरकार में इनकी बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, गुहार लगाते रहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, अगर वेरिफिकेशन हो गया है तो इनकी बहाली की जाए, लेकिन एक भी बीजेपी की सरकार में इनकी बात सुनी नहीं जाती और इन 4000 से अधिक अभ्यर्थियों में एक रोष होता है, एक आक्रोश होता है और इन लोगों ने विधानसभा चुनाव के वक्त में बीजेपी को वोट नहीं दिया। सत्ता परिवर्तन होता है, हेमंत सोरेन की सरकार आती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, वक्त ने हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार आती है तो इनकी बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, मैनिफेस्टो में भी जगह दी जाती है। लेकिन होता क्या है, ढाक के तीन पात यानी एक बार फिर प्रतिभा राजनीति की शिकार हो जाती है और उसके बाद से अब तक ये मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं और जो जितने विधानसभा हैं सभी के जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, अपनी आवाज रखते हैं, अपने दर्द को सुनाते हैं, लेकिन इन्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। फाइनली एक दिन आता है जो तारीख होती है 20 मार्च 2020,
ये रांची के मोराबादी मैदान में 24 जिले से जितने अभ्यर्थी होते हैं वो एक जगह जुटते हैं, मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए जाते हैं और घेराव के वक्त जो होता है वो एक दर्द देता है, वो एक टीस देता है कि आपने क्या किया, आपने पढ़ाई की, आपने एग्जामिनेशन दिया, आप अपने हक की आवाज को उठा रहे हैं और आपको मिलता क्या है, प्रशासन की तरफ से लाठी। इन पे लाठी चार्ज किया जाता है 20 मार्च 2020 को हेमंत सोरेन की सरकार में 16 लोग घायल होते हैं, कई बच्चियां भी चोटिल होती हैं। बच्चियों का आरोप उस वक्त रहता है कि उस वक्त महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थी, फिर भी इन पे लाठियां बरसाई गईं। एक अभ्यर्थी का पैर भी टूट जाता है, लेकिन फिर भी क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। ये आलमगीर आलम से मिलते हैं, सारे मंत्रियों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि से मिलते हैं और आखिरकार फिर एक बार 12 अक्टूबर 2020 को मोराबादी के उसी मैदान में ये मजबूर हो जाते हैं आमरण अनशन करने के लिए। और इस अनशन में 3 लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और इनके साथ बाकी अभ्यर्थी भी हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। और वो जो 3 लोग हैं, गुलशन हुसैन, रमेश लाल और पूजा कुमारी, अब इनका कहना यह है कि अब जब तक कि इनका मेरिट लिस्ट नहीं निकल जाता है, इनकी बहाली नहीं हो जाती है, नाम आउट नहीं हो जाता है, तब तक ये अनशन जारी रहेगा, ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी कड़ी में 13 अक्टूबर को ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं। लाठियां भी खाई, चोटिल भी हुए, एग्जामिनेशन की तैयारी भी की, सारे दर्द भी सहे, परेशानियां भी उठाई, लेकिन अब जो है वो भविष्य इन्हें अपना अंधकारमय लग रहा है, इसलिए अनशन को अब ये मजबूर हो गए। आखिर कब तक जो प्रतिभा है वो राजनीति की इसी तरह से शिकार होते रहेगी, चाहे सत्ता बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, गठबंधन की हो या कांग्रेस की या किसी और पार्टी की। क्या इन युवाओं को, इन प्रतिभाओं को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? सहायक पुलिसकर्मी की बात कर ले, आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात कर ले, पारा शिक्षकों की बात कर ले, जेपीएससी स्टूडेंट की बात कर ले, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहां हमारे देश के भविष्य, हमारे राज्य के होनहार विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के शिकार हो रहे हैं, युवा राजनीति के शिकार हो रहे हैं। जरूरत है सरकार को इस दिशा में सोचने की कि अगर सरकार किसी की भी हो, अगर ये बच्चे सही हैं, इनका मेहनत सही है, तो इन्हें इनका हक दिया जाए। अब इंतजार है कि कब हेमंत सोरेन की सरकार अपने वादे को पूरा करती है या सिर्फ ये वादा वादा रह जाता है, इसका भी इंतजार रहेगा। एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पे लोग इन्हें देख रहे हैं, उम्मीदें हैं हेमंत सोरेन से, इनकी सरकार से, लेकिन अगर हमारे राज्य का भविष्य, हमारे ये होनहार ऐसे मजबूर होंगे प्रदर्शन के लिए, अनशन के लिए, तो राज्य का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। नमस्कार। आगे क्या जरूरत है? आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बात करते हैं। बोल रहे हैं कि अपना काम कीजिए, गेट पर कर ले लीजिए, बना लीजिए। हाँ उमेश, प्रणाम प्रणाम, बोला जाए। इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ, गर्ल्स इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमारे जितने भी पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, सब लोग लगातार यहाँ